चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकुलम और 8 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। इफ अ चार्ज अच्छा -5 माइक्रोकुलम है एडेड टू ईच ऑफ देम देन द फोर्स बिटवीन। ठीक है, जैसे ये जो इस पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ फिगर में, जैसे ये 3 है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, 3 माइक्रोकुलम 8 माइक्रोकुलम। अब इसमें अगर मैं ऐड करूँगा -5 माइक्रोकुलम और इसमें भी ऐड करूँगा -5 माइक्रोकुलम, तो नया चार्ज कितना हो जाएगा? -2 माइक्रोकुलम हो जाएगा। ये नया चार्ज इसमें कितना हो जाएगा? +3 माइक्रोकुलम हो जाएगा। तो इस वाले केस में फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए होगी? अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, इसमें भी दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, डिस्टेंस तो बदल नहीं रहा है, तो 3 × 10⁻⁶ कूलाम में कन्वर्ट कर लिया हमने, 8 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इनिशियली, अब ये फाइनली फोर्स क्या होगा इस केस में? फाइनल के -2 × 10⁻⁶ × 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो दिस अपॉन दिस, नया फोर्स पूछ रहा है ना, देन द फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो एफ फाइनल अपॉन एफ इनिशियल कर देते हैं। जैसे के कटेगा, ये होगा -2 × 10⁻⁶ × 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई, अच्छा के लिख देते हैं बाद में काट देंगे, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्लस के 3 × 10⁻⁶ × 8 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कटा, के से के कटा, माइनस रहेगा, यहाँ लिख देते हैं। एफ फाइनल अपॉन एफ इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा? 6 × 10⁻¹² अपॉन, ये कितना होगा? 24, ये माइनस यहाँ रहना चाहिए ना, और ये 24 × 10⁻¹², ये कटा इससे, 1/4, -1/4। एफ फाइनल अपॉन एफ इनिशियल की वैल्यू आ गई, एफ फाइनल इज इक्वल टू -f initial/4। यानी अगर 40 न्यूटन का था तो 40 न्यूटन -4 कितना हो जाएगा? -10 न्यूटन, -10 न्यूटन है ये वाला ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन